हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो दिस इज अनुष्का आर्य। तो आज कुछ मतलब कि आप मेरे बालों को देख रहे होंगे, एक इधर भागा हुआ है, एक इधर भागा हुआ है, बिकॉज़ मैं कटवाई नहीं हूँ। कोई बात नहीं, आज इसी में व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज कुछ पूरा खुशी का दिन है नहीं, क्योंकि देखते देखते हमारा ग्रेजुएशन बैच ओवर हो रहा है, हो चुका, मतलब हो जाएगा आज। तो बस पता ही नहीं चला कि कब, मतलब कि कैसे ख़त्म हो गया। कॉलेज एक लफ्ज नहीं, एक पुराना सफ़र है। स्कूल में तो हम सिर्फ पढ़ना लिखना सीखते हैं, पर ज़िंदगी के असल मायने तो हमें कॉलेज ही सिखाया जाता है। फिल्मों में जैसा देखा था, ये उससे बिल्कुल अलग था, बिल्कुल भी अलग। मौज मस्तियों से भरा ये 3 साल आसान भी था और मुश्किलों भी। वक्त कितनी जल्दी निकल जाता है ना, अभी यहाँ आए थे और अभी जाना पड़ रहा है। बहुत खुश थे हम सब और हर बात पे मजाक करते थे। शायद भूल गए थे उस दिन हमारा आखिरी दिन था कॉलेज में और हम एक साथ आए थे कॉलेज फैमिली में। ऐसा नहीं था हम मिलेंगे नहीं, हमारा मिलना तो था, पर वो मिलना मिलना नहीं। कभी घूमने जाने का प्लान तो बनाना ही, क्योंकि दोस्त भी ऐसे मिले कि दो आएंगे और दो मुकर जाएंगे। धीरे धीरे ये सफ़र अपनी मंजिल की ओर बढ़ी और तुम्हें ज़िंदगी के दरवाजे तक छोड़ेगी। स्कूल की तरह ये भी एक याद ही बन के रह जाएगी। पहले कॉलेज आते थे और दोस्तों के साथ पिज़्ज़ा पार्टी करते थे, बहुत सारी बातें, हंसी मजाक सब कुछ होता था। कोक पीते पीते, डिलीशियस पिज़्ज़ा खाते खाते और अपने चहेते दोस्तों के साथ बैठ के हंसी मजाक करते थे हम सब। रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से भी खिल गई। कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है। कॉलेज ग्राउंड से भी बहुत सी यादें हमारी जुड़ी हुई, वही जो एक प्लेस थी यार, जहां हम अपने क्रश को देखा करते थे। हाँ, बात अलग है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनसे जाके बात कर सके। उस कॉलेज ग्राउंड हम लोग कार्टून भी देखते थे, हमारा फेवरेट क्रॉसवर्ड, जो कि बहुत मज़ेदार कार्टून था। तो हम लोग जब फ्री रहते थे तो हम लोग ग्राउंड में बैठ के उसी को एंजॉयमेंट करते थे, चिप्स खाते थे, हर एक एपिसोड देखते थे, हर किसी के चेहरे पे इसे देख के खूबसूरत सी स्माइल आ जाती थी। हम कॉलेज की हर एक चीज़ अपने साथ ले जा रहे हैं, हर एक मेमोरी को कैद कर लिए हैं इन तस्वीरों में, इन वीडियो में। और हाँ, ये बात अलग है कि हम ये सब वीडियो या तस्वीरों में अच्छे नहीं दिख रहे, बट एक भी तस्वीर को मैंने डिलीट नहीं किया है, उसको अपने पास संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि बाद में वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, गलत कहते हैं। किस्मत का खेल है सारा, फिर था मैं आवारा,
ये क्या से क्या हो गया। चार दिन की जिंदगानी हर फोटोग्राफी वगैरह चल रहा है तो चलते हैं थोड़ा फोटोग्राफी वगैरह करवाते हैं और क्या, कोई दिक्कत नहीं आ सकता। ये है नेपाली, हम इसको नेपाली बोलते हैं। तुम दिखते हो। ये है हमारी क्लास की सबसे सुंदर महिला, खूबसूरत महिला। ये है डांसर जो आपको हर व्लॉग में पता चल रहा होगा, दिख रहा होगा। वो बात अलग है कि मुंह थोड़ा अभी कोहरा कोहरा टाइप। चल यार, मिलते हैं कभी, पर ये अंदर ही अंदर हम भी जानते हैं अब दोबारा मिलना तो है नहीं। पर यार एक उम्मीद देने में अच्छा लगता है, क्योंकि दोस्ती तो कॉलेज की उस पार ही रह गई और फोन में ही कुछ नंबर है जो यारों की याद दिलाते हैं। बड़ी ही हसीन है, बिछड़ जाने के बाद हो तो क्या फिर, बोलो ये जिंदगी है, कोई तो हो राजदार, बेगरज तेरा हो यार, कोई तो हो राजदार। यारो मोहब्बत ही तो बंदगी है, ये ना हो तो क्या फिर, बोलो ये जिंदगी है, कोई तो दिलबर हो यार, जिसको तुझसे हो प्यार, कोई तो दिलबर हो यार। साया बने तेरा वो दोस्त, नाचे भी वो तेरी खुशी में। अरे यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर, बोलो ये जिंदगी है, कोई तो हो राजदार, बेगरज तेरा हो यार, कोई तो हो राजदार।